नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, शेड सेल हिंदी हाईस्कूल द्वारा होम लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं डीआर शर्मा सर, चैप्टर नंबर 2 सूचनाओं का एकत्रीकरण में नेक्स्ट लेक्चर में अपने ने देखा था कि आवृत्ति वितरण तैयार किया। अब आवृत्ति वितरण दिया होगा, उस पर से संचय आवृत्ति तैयार करो। तो संचय आवृत्ति किसे कहते हैं? तो चल के ज्ञात मूल्य वर्ग की आवृत्ति और उससे पहले की सभी आवृत्तियों के योग को संचय आवृत्ति, जिसे संकेत में CF, इंग्लिश में कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी CF। संचय आवृत्ति के दो प्रकार है, से कम और से अधिक। तो से कम यानी दिए गए चल वर्ग की आवृत्ति उर्दू सीमा बिंदु या उससे कम मूल्य के अवलोकन वाले योग को क्या कहते हैं? से कम। और दिए गए चल मूल्य की आवृत्ति और आधा सीमा बिंदु जितनी या उससे अधिक अवलोकनों के योग को कहते हैं से अधिक। तो ये से कम और से अधिक। अब अपने स्वाध्याय 2.1 का पांचवा सवाल, निम्नलिखित दिए गए सूचना पर से कम और से अधिक संचय आवृत्ति तैयार करो। तो ये आपको XI दी गई है और पन्नों की संख्या FI। XI और FI दी है, उस पर से संचय आवृत्ति वितरण तैयार करो। तो अपने इस तरह से लिख लेने का, कम तो से कम में पहले सवाल में XI और FI दी है, तो XI FI फिर XI या उससे कम। तो पहली XI है अपनी 0, तो 0 या उससे कम, 1 या उससे कम, 2 या उससे कम, 3 या उससे कम। अब से कम में संचय आवृत्ति, तो पहले है XI 0 या उससे कम, तो 0 या उससे कम, तो 0 के सामने की आवृत्ति 140, उससे पहले कोई है नहीं, तो पहले 140। फिर 1 या उससे कम, तो उसके सामने आवृत्ति 110 है, तो 110 प्लस 140। नेक्स्ट 120 प्लस 110 प्लस 140। फिर 30 प्लस 120 प्लस 110 प्लस 140। अब इनका टोटल, तो 140 इन दोनों का टोटल 250, इन तीनों का टोटल 370 और सभी का टोटल 400। ये हो गया संचय से कम। अब से अधिक बनाना हो तो XI FI, XI में सबसे पहले 0 या उससे अधिक, फिर 1 या उससे अधिक, 2 या उससे अधिक, 3 या उससे अधिक। अब संचय आवृत्ति में CFI 140 या उससे अधिक, तो 140 तो रहेगी, प्लस 110 प्लस 120 प्लस 30 यानी 400। अब एक एक संख्या हटाते जाने का, तो 140 हटेगा, तो 110 प्लस 120 प्लस 30, तो टोटल आएगा 260। अब 120 प्लस 30 तो 150 और लास्ट में 30 तो 30। ये असतत आवृत्ति वितरण दिया हो तो इस तरह से, पर जब सतत आवृत्ति वितरण दिया हो, वर्गांतर दिया हो, स्वाध्याय 2 का विभाग ई का क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से कम और से अधिक आवृत्ति वितरण तैयार करो। तो अब इसमें वर्गांतर दिए, वर्गांतर दिए हैं, उस पर से बनाना है। तो वर्ग और FI, पहले से कम, तो से कम में उर्दू सीमा को ध्यान में लेते हैं और से अधिक हो तो अधर सीमा को ध्यान में लेते हैं। तो देखने का कि अपने को से कम बोला है कि से अधिक, तो अपने पहले से कम, तो से कम में लिखने का उर्दू सीमा बिंदु और उससे कम। तो सवाल में वर्गांतर में आगे वाली है वो अधा सीमा और पीछे वाली वैल्यू है वो उर्दू सीमा, तो इसमें से कम में उर्दू सीमा को ध्यान में रखना है, तो ये पीछे की सीमा को ध्यान में रखना है। तो अब ये अनिवारक दिया है 25 से 29, तो इसको निवारक बनाने के लिए पीछे के सीमा के लिए 0.5 जोड़ेंगे और आगे के लिए 0.5 घटाएंगे, तो 29 है, तो 29.5 या उससे कम, 34.5 या उससे कम, 39.5 या उससे कम, 44.5 या उससे कम, 49.5 या उससे कम, 54.5 या उससे कम, 59.5 या उससे कम। अब आवृत्ति जोड़ें, तो पहले 3, फिर 8 प्लस 3, फिर 10, 8 और 3, 5, 10, 8, 3, फिर 15, 5, 10, 8 और 3, फिर 8, 15, 5, 10, 8 और 3,
एक आठ पंद्रह पाँच दस आठ और तीन, सबको जोड़ते ही जाना है। तो अब टोटल लिखें तो पहला टोटल हो रहा है तीन, फिर ग्यारह, फिर तीनों को जोड़ेंगे तो इक्कीस, छब्बीस, इकतालीस, उनपचास और पचास, ये से कम। अब से अधिक, तो से अधिक में अधसीमा, तो अधसीमा यानी आगे वैल्यू, तो आगे वाली वैल्यू के लिए पॉइंट पाँच कम करेंगे तो ये पच्चीस है, तो पच्चीस में से जीरो पॉइंट पाँच माइनस तो चौबीस पॉइंट पाँच या उससे अधिक, फिर उनतीस पॉइंट पाँच, चौंतीस पॉइंट पाँच, उनचालीस पॉइंट पाँच, चवालीस पॉइंट पाँच, फोर्टी नाइन पॉइंट पाँच, फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव। अभी हो गया, तो से अधिक में पहले ऊपर से जोड़ते जाने का, तीन प्लस आठ प्लस दस प्लस पाँच प्लस पंद्रह प्लस आठ प्लस एक, अब एक एक को छोड़ते जाने का। तो अब यहाँ से स्टार्ट करें, आठ दस पाँच पंद्रह आठ एक, अब यहाँ से दस से दस पाँच पंद्रह आठ एक, नेक्स्ट बनेगा पाँच पंद्रह आठ एक, पंद्रह आठ एक, आठ प्लस एक और लास्ट में एक। अब इसका टोटल, तो पहला टोटल आएगा पचास, अब इन सब का टोटल होगा तो फोर्टी सेवन, थर्टी नाइन, ट्वेंटी नाइन, ट्वेंटी फोर और नौ और लास्ट में एक। ये हो गया से कम और से अधिक। विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब चैनल पर इस सेट सेल इंडिया स्कूल के प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।